कितना सॉफ्ट है, ये हम तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, मैं अर्चना सक्सेना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल घर की रसोई में। दोस्तों, आज मैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण जी के भोग के लिए मैं बनाने जा रही हूँ अरबी मेवा पाक। मैंने दो गांठें ली थी अरबी की, उनको पहले मैंने वॉश किया, उसके बाद मैंने 2 घंटे उसे सूखने के लिए रख दिया, फिर मैंने उसको इस तरह से स्लाइसों में काटा है। तो दोस्तों, चलिए बनाना शुरू करते हैं हम, जिसके लिए मैंने ये सामान लिया है। ये मेरी 1 कटोरी अरबी है, अरबी यानी घुया, घुया भी बहुत लोग कहते हैं और अरबी भी कहते हैं इसको। और ये मैंने ताज़ा नारियल लिया हुआ है 1 कटोरी, ये मेरे पास मावा रखा हुआ था घर का बनवा वो है। और ये 2 चम्मच खरबूजे के बीज हैं, ये 2 चम्मच गोंद है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये चीनी है, और तलने के लिए देसी घी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं अरबी मेवा पाक। ने कढ़ाई में पहले देसी घी डालेंगे, आप लोग चाहें तो रिफाइंड ऑयल में या वनस्पति घी में जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। घी को गर्म होने देते हैं, चलिए देखते हैं घी हमारा गर्म हुआ कि नहीं। ये देखिए, घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसको 2 बार में फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये वाला पाक बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, और कृपया करके आप लोग भी इस पाक को ज़रूर बनाइएगा। अरबी पाक खाने में बहुत टेस्टी होता है ये। देखिए दोस्तों, ये हमारी अरबी इस तरह से सिक गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे और अपना दूसरा राउंड भूनेंगे। अरबी को हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है, सेकना है मतलब। तो दोस्तों, ये हमारा अरबी का दूसरा बैच भी तल गया, अब हम इसको निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम अपनी लो कर देंगे। अब हम ये अपना गोंद फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम, इसे हमको जलाना नहीं है, हल्का हल्का सेकना है। इस तरह से हम सेकेंगे, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पाक हमारा बनके तैयार होगा दोस्तों। तो कृपया करके आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये पाक कैसा लगा। अब हम इसमें अपने ये काजू और बादाम जो काट के रखे थे उनको फ्राई कर लेंगे, इस तरह से हल्की चिकनाई में इनको सेक लेंगे, इससे हमारे पाक का टेस्ट और अच्छा आएगा। मेवा भी हमारा सिक गया, हमको ज़्यादा नहीं हल्का ही सेकना था। अब हम इसमें ये जो खरबूजे के बीज हमने लिए थे इनको भी सेक लेंगे। और ये नारियल का बुरादा, इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे, ये हमने 1/2 कटोरी चीनी ली है, चीनी आप लोग अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिस तरह से आप हल्का मीठा तेज़ मीठा खाना चाहते हो। और ये 1/2 कटोरी से भी कम पानी है, गैस हमारी लो है, और अब हम इस 1 तार की चाशनी बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही चाशनी को हम बनाएंगे, अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे
तो हमारी चीनी जम जाती है उससे, इसीलिए हमको अच्छी तरह से अपनी चाशनी बनानी है एक तार की। आइए देखते हैं चाशनी हमारी बनी कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे एक तार की चाशनी बन गई है। अब हम इसमें सबसे पहले मावा डालेंगे चाशनी में। ये होममेड मावा है, घर का बना हुआ। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमने मावे को चाशनी में अच्छी तरह से मिला दिया है। अब ये थोड़ा सा खोलने लगेगा, तब हम इसमें अपनी फ्राई किया हुआ सारा सामान इसमें डाल देंगे। गैस हमारी लो है। ये देखिए, ये हमारी ये हमारा खोया भी खोलने लगा है। अब हम इसमें अपना ये सारा सामान डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, आप लोग कृपया करके ज़रूर इसे बनाइएगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, कृपया करके अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्रदान करें दोस्तों। आप लोगों के साथ की और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से हम बराबर इसको चलाते रहेंगे और जब ये हमारा मेवा पैन छोड़ देगी फिर हम इसको जमा देंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए आज आपको एकदम नई डिश मिल रही है दोस्तों, मावा अरवी पाक। और आप लोगों के यहाँ किस नाम से बोलते हैं अरवी को और किस किस ने ये पाक खाया है, तो आप लोग भी कृपया करके मुझे बताएं आप लोग किस तरह से बनाते हैं, तो मैं भी उस तरह से ज़रूर ट्राई करूँगी बनाना। मेरे यहाँ तो ये इसी तरह से खाया जाता है, तो मैं आप लोगों के साथ उसी तरह से शेयर कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इस समय पर इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे मावे ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है इस तरह से। बस थोड़ा और चलाएंगे, फिर हम अपना अरवी मेवा पाक जमाएंगे। ये हमारा अरवी मेवा पाक बन चुका। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और आधा सेकंड के लिए इसको इसी में हम चला लेंगे। और ये ट्रे हमने ग्रीस करके रख ली है देसी घी से। बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों मेवा पाक, आप लोग कृपया करके ज़रूर बनाइएगा इसको। और जो भी आपका फीडबैक हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, पतला या मोटा जैसा खाना चाहो उस तरह से आप इसको सेट करें। दोस्तों ये हमारा पाक अभी गर्म है, तो इसमें हम हल्के हल्के कट लगा देंगे इस तरह से, तो बाद में हमें निकालने में आसानी रहेगी। टैरो में मावा पाक हमारा बनके तैयार है। आइए अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने पहले ही इसमें निशान लगा दिए थे। ये हमारा पाक जो है अच्छी तरह से निकल आएगा। ये देखिए, अपने आप ही अलग होने लगा। हम आपको एक पीस इसका उठा के दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये हम तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी टैरो मावा पाक बनके तैयार है।
आप लोग भी बनाइए और खाइए और जन्माष्टमी इंजॉय करिए।